जी, मैं हूं डॉक्टर रामचंद्र श्रीनिवासन, द राइटर ऑफ द बुक मेरे पापा परमवीर। मेरे साथ इस वक्त हैं विक्रम ठाकर, जो फिल्म निर्माता हैं, और साथ में हैं जैनुल हसन साहब, जो पुत्र हैं परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद के, जिनको 1965 में ये पुरस्कार दिया गया। जैनुल जी, अपने बारे में कुछ बताएंगे। मैं जैनुल हसन, एल्डेस्ट सन शहीद वीर अब्दुल हामिद। मेरे अंदर एक जज्बा था, बहुत पहले से था, कि मेरे पापा के ऊपर एक अच्छी फिल्म बने। और मुझे जब मौका मिला तो मैं बॉम्बे आया, विक्रम जी भी मुझसे मिले, और मुझे ये लगा कि विक्रम जी इस फिल्म को बढ़िया बनाएंगे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, और उसके लिए जो है आपने डॉक्टर रामाचंद्र जी को भी मुझसे बुलाया कि ये जो है इस बुक के राइटर होंगे और इसी बुक के आधार के ऊपर ये मूवी हम लोग बनाएंगे। विक्रम जी, ये बताइए कि आपको क्या दिलचस्पी लगी, क्या कहानी दिलचस्प लगी अब्दुल हामिद पर कि आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया? देखो, कहानी में ऐसा है कि जो कहानी तो कहानी है, एक अच्छी कहानी है, और ये कहानी लोगों तक आनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी में और ज़्यादा अच्छी चीज़ जो ये है कि एक ऐसे विजेता है जिसकी वजह से एक देश एकत्र हो सकता है। ये फिल्म में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी सोसाइटी की तरफ, क्योंकि परमवीर चक्र शहीद अब्दुल हामिद जी जो है वो एक ऐसे हिंदुस्तानी थे जिन्होंने एक बैटल लड़ा था अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी वॉज दी ओनली इंडियन मुस्लिम टू विन द परमवीर चक्र इन द कंट्री सो फार। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो एक मुझे लगा कि इस देश को जोड़ सकेगी बराबर से, और ये सारे भेदभाव सारे मिट जाएंगे। दूसरी बात ये थी कि जब मैं जैनल साहब से मिला था, जैनल साहब की जो मुझे शिद्दत लगी थी और जिस ईमानदारी से उन्होंने मेरे से बात करी थी कि मुझे मेरे पापा पे फिल्म बनानी है, ऐसी फिल्म बनानी है जो लोग देखें और लोग मोटिवेट हो, उस शिद्दत से, और ना ही उनको पैसे की लालच थी, ना कोई लोभ नहीं था उनको। वो चाह रहे थे कि एक अच्छी फिल्म बने, कुछ पापा के नाम की कुछ और चीज़ें हो जाए, स्कूल्स जैसे हो जाए, या एक ये चैप्टर में आ जाए वापस स्कूलों के, कि एक ऐसी कहानी थी जो आजकल चैप्टर्स में नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए। ये इंटेंशन उनका जो था मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो मुझे मोटिवेट किया, और मैंने सोचा कि ये मेरे लिए सोसाइटी को वापस देने का तरीका होगा, और फिल्में इसीलिए बनाते हैं। जी, आपकी जनरल साहब, आपकी नीयत बहुत साफ थी कि आपके वालिद साहब के शहादत को बेचना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके ख्यालों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्कूल आप शुरू करना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। तो ये बताइए कि और भी लोग इस सब्जेक्ट पे फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर और भी कर रहे हैं, तो इन सबके बीच आपने विक्रम जी को ही क्यों चुना? नहीं, पहले तो मैं उन लोगों को ये चेतावनी या सलाह देता हूँ कि मेरे पापा के ऊपर कोई फिल्म न बने। और मैंने विक्रम जी को इसलिए चुना कि विक्रम जी की नीयत मुझे साफ लगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिले जिनको मैं नहीं समझ पाया उनकी नीयत को। और उन लोगों में से जब विक्रम जी से मैं मिला तब मुझे सबसे अच्छे विक्रम जी लगे। अब कई बार मैं इनको इनसे बात किया, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि विक्रम जी साफ नीयत से, अच्छी नीयत से इस फिल्म को बनाएंगे। शुक्रिया जनरल साहब, शुक्रिया विक्रम जी। ये किताब बच्चों को फ्री में दिया जाएगा, स्कूल्स में, मिलिट्री स्कूल्स में भी दिया जाएगा, लाइब्रेरीज में पाई जाएगी, मेरे पापा परमवीर। तो जल्द ही इसका एक और नॉवल वर्जन भी निकलेगा। ध्यान रखिए, ये किताब जो है ये जैनुल साहब की जुबानी ये कहानी लिखी गई है, मैंने लिखा है इसको अंग्रेजी में। थैंक यू मैम। आई जस्ट वुड वांट टू ऐड दैट कि जब मैं रामा जी से मिला था और जैनुल साहब से मिला था, जैनुल साहब ने मुझे कहानी बोली थी, तो कहानी इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत है कि इतने छोटे इतने पन्नों में नहीं बन सकती। तो इसलिए दो किताब बनने का प्लान बना था, एक जो पूरी कहानी जो है वो बहुत ही जल्द रिलीज हो रही है, रामा सर रिलीज कर रहे हैं, वो भी उन्होंने लिखी है,
ये किताब हमारे बनाने की इंटेंशन यही थी कि ये हम स्कूलों में फ्री बांटे और स्कूलों में जाके लोगों को बताए कि ये कहानी क्या थी, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे भी लोग और ऐसे भी शहीद थे हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा था।